Hello everyone, welcome to Him Education. This is Ankita Sharma and friends, in today's video we will discuss multiple choice questions which are based on class 8 science chapter 1 जिसका नाम है crop production and management. तो I hope ये questions आपको help करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं first question से. The first question is organic waste can be decomposed to form dash which can sustainably enhance the nutrient content of the soil. ऑप्शन है कंपोस्ट, काउ डंग, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, कंपोस्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप. कौन सी एक रबी क्रॉप है. ऑप्शन है राइस, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड मेज. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, मस्टर्ड जो है रबी क्रॉप्स है. रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो विंटर्स में उगाई जाती हैं, और दूसरी क्रॉप्स होती हैं खरीफ क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं. तो मस्टर्ड जो है वो विंटर्स में उगाया जाता है, ये एक रबी क्रॉप है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड बाय ए फार्मर विद अ लार्ज फार्म टू हार्वेस्ट हिज क्रॉप्स क्विकली एंड एफिशिएंटली. ऑप्शंस है विनोइंग मशीन, कंबाइन, सिकल एंड सीड ड्रिल. तो सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज कंबाइन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन टुडेस वर्ल्ड वेयर वाटर इज अ स्कार्स सोर्स विच अमंग द फॉलोइंग इरीगेशन मैथड इज मोस्ट फिजिबल एंड सस्टेनेबल. अभी हम देखते हैं कि कितनी वाटर शॉर्टेज होती है, पानी जो है ग्राउंड लेवल जो है कम होता जा रहा है. तो आज के टाइम पे सबसे अच्छा जो है सिंचाई करने का मेथड कौन सा होगा. ऑप्शन है स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, ट्यूबवेल एंड चेन पंप. तो सही आंसर है ऑप्शन बी दैट इज ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम जो है उसमें पानी जो है वेस्ट नहीं होता. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वीडिंग एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन. कौन सी जो है वीडिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शंस हैं वीडिंग इज बेस्ट डन ड्यूरिंग टिलिंग इटसेल्फ. ऑप्शन बी इज वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स. सी है वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स. एंड द लास्ट वन इज वीडिंग इज यूजली डन मैन्युअली और बाय यूजिंग वीडिसाइड्स. तो अगर हम बात करें ऑप्शन जो है बी जो है ये गलत है. वीडिंग क्या होता है, वीडिंग होता है वीड्स. पहले क्या होते हैं, वीड्स होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी फसल के साथ उगाते हैं, जो क्रॉप के साथ. जैसे कोई हमने मान लीजिए वीट की अगर हमने खेती की है, वीट के जो प्लांट्स हैं उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो अपने आप उगाते हैं, उनको वीट्स कहते हैं. तो उनको निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अदरवाइज जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स के वो उनके साथ शेयर करते हैं, और जो प्लांट है जो हम चाहते हैं जो फसल है उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती. तो वीट्स जो है उनको निकालना उसको वीडिंग कहा जाता है. तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग वीड्स. ये गलत है, वीडिंग है वीड्स को निकालना. तो वीड्स को निकालना दैट इज कॉल्ड वीडिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड. कौन सा एक ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं है. ऑप्शन है मोट, ऑप्शन बी इज चेन पंप, ऑप्शन सी इज लीवर सिस्टम एंड ऑप्शन डी इज ड्रिप सिस्टम. तो ऑप्शन डी जो है ये एक मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है, और बाकी जो है सारे ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड्स हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय केमिकल्स कॉल्ड. वीड्स अभी हमने डिस्कस किया वीड्स क्या होते हैं. तो वीड्स को जो है कौन से केमिकल्स के द्वारा जब कंट्रोल किया जाता है, उनको खत्म किया जाता है, तो उसको उस केमिकल को क्या कहते हैं. ऑप्शन है पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स. तो आंसर जो है सी दैट इज वीडिसाइड्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल. अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो अगर हम सोइंग कर रहे हैं किसी भी खेत में, किसी भी फार्म में जब हम फसल लगाते हैं, उससे पहले जो है सॉइल की प्रिपरेशन की जाती है. सबसे पहला मेथड होता है, सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो उसका फायदा क्या होता है. ऑप्शंस है मेक्स डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स इजिली, ऑप्शन बी इज मेक्स द टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच, ऑप्शन सी इज अलाउज रूट्स टू पेनिट्रेट द सॉइल इजिली एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो अगर हम इसकी बात करें प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही होगा. क्यों, जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है उसकी वजह से ये सारी ही एडवांटेजेस होती हैं. जैसे मेक्स डिकम्पोजिशन बाय माइक्रोब्स इजियर. क्या होता है, हमारी जो सॉइल है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स रहते हैं. वो क्या करते हैं, जो भी अनवांटेड प्लांट्स हैं या फिर सड़े गले पत्ते हैं जो भी है उनको डिकम्पोज कर देते हैं, इसीलिए उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो सॉइल में जाके मिल जाती है. दूसरा है दूसरा मेक्स अ सॉइल टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट रिच. तो ये वहीं से हो गया, डिकम्पोजिशन होगी तो जो डिकम्पोज प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में आके मिल जाएंगे.
एंड थर्ड वन इज अलाउज रूट टू पेनेट्रेट द सॉइल इजिली. अगर सॉइल जो है वो लूज होगी तो जो प्लांट है उसकी रूट्स जो है वो ज्यादा गहराई तक जा सकती हैं और उनको जो है ग्रो करने में जो है हेल्प मिलती है. तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो सही होगी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. अरेंज द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर इन विच दे आर फॉलोड. एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो एक ऑर्डर में होती हैं, उनका एक सीक्वेंस होता है. तो हमें बताना है कि यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी हुई हैं उनको जो है सही सीक्वेंस में बताना है. पहली कौन सी है? हार्वेस्टिंग. दूसरा है सोइंग. तीसरा है स्टोरेज. चौथा है इरिगेशन. एंड पांचवा है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. तो अगर हम इनको सही सीक्वेंस में बताएं तो सबसे पहला होता है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. तो इसका मतलब पहले आएगा, सबसे पहले आएगा नंबर 5 प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, दूसरे नंबर पे आएगा सोइंग. पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद सोइंग मतलब हम उसमें बीज बोएंगे. तो दूसरे नंबर पे आएगा सेकंड ऑप्शन, दैट इज सोइंग. उसके बाद हमारे पास आएगा, अगर हमने बीज बो दिया उसके बाद उसको सिंचाई की जरूरत है, उनको पानी भी चाहिए, तो नंबर 4 आएगा, दैट इज इरिगेशन. तो उसके बाद आएगा इरिगेशन. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज जब फसल बिल्कुल तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. तो उसके बाद आएगा नंबर 1. और लास्ट हमारे पास जब बिल्कुल फसल जो है, जो बीज जो है, सीड जो है, जो फसल तैयार हुई है वो जब सब कुछ खत्म हो जाता है, घर पे आती है, तो लास्ट स्टेप होता है उसको स्टोर करना, तो दैट इज कॉल्ड स्टोरेज. तो उसके बाद आता है 3. तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 5, 2, 4, 1 and 3. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज नोन एज. सॉइल को जो है उसमें सोइंग करने से पहले, मतलब उसमें बीज लगाने से पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको लूज किया जाता है, उसको टर्न किया जाता है, ताकि जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो अच्छे से पेनेट्रेट हो सके, डिकम्पोजिशन हो सके और जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो बढ़ सके. तो ये जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल है इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विनोइंग, प्लोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. तो सही आंसर ऑप्शन बी, इसको प्लोइंग या फिर इसको टिलिंग भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वीट स्टॉक्स इन द सन एंड देन बीटिंग देम टू सेपरेट द ग्रेन्स इज कॉल्ड. वीट स्टॉक्स जो है उनको धूप में सुखाना और उसके बाद उनको बीट करके उनमें से जो है ग्रेन जो है, दाने जो है, उनको अलग करना, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विनोइंग, ऑप्शन बी इज थ्रेशिंग, ऑप्शन सी इज चर्निंग एंड ऑप्शन डी इज सीविंग. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, थ्रेशिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज आइडेंटिफाई द एग्रीकल्चर मेथड इन विच डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड सीजन आफ्टर सीजन. एक ही जगह पे जब एक ही फार्म पे अलग अलग क्रॉप्स उगाई जाती हैं एक एक सीजन के बाद, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन से इरिगेशन, मोनोकल्चर, क्रॉप रोटेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन. तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन से क्या होता है? जो सॉइल है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बनी रहती है. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम कोई एक क्रॉप उगाते हैं, मान लीजिए वीट हम उगा रहे हैं, तो उसको किसी अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है. ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट जो क्रॉप लगाएंगे वो हम मेज लगाएंगे, मेज को अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी. तो इसीलिए जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी जो मात्रा है वो सॉइल में बनी रहती है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नूडल्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स हेल्प इन फिक्सिंग. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहता है, तो ये किस में हेल्प करता है? ये जो हमारे पास एक न्यूट्रिएंट्स है उसको प्लांट्स को जरूरत होती है एक न्यूट्रिएंट की, तो वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसमें वो राइजोबियम जो है वो हेल्प करता है प्लांट्स की? ऑप्शंस हैं सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो सही आंसर ऑप्शन सी, दैट इज नाइट्रोजन. क्या होता है? राइजोबियम जो है एक बैक्टीरिया है, ये लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में रहता है. तो हमारे एटमोस्फियर में हमें पता है बहुत सारी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स जो है वो उस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है उसको यूज नहीं कर पाते. तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है ये लेग्यूम प्लांट्स कौन से होते हैं? जो फलीदार पौधे होते हैं, जैसे पीज हो गए जिनमें फलियां लगती हैं, उनकी रूट्स में रहता है और ये हेल्प करता है कि जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन है उसकी फॉर्म को चेंज कर देता है, ताकि प्लांट्स जो है उसको इजिली जो है एब्जॉर्ब कर सके. और बदले में उसको क्या मिलता है? बदले में उसको शेल्टर मिलता है और जो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, वो उसको मिलते हैं. तो ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये सारा काम करता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. द साइंस ऑफ रियरिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स इज नोन एज. ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर, पिस्किकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड नन ऑफ द अबव. तो सही ऑप्शन है दैट इज सी. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच इंडिकेट नीड टू इरिगेट क्रॉप्स.
हमें जो है क्रॉप्स की इरिगेशन या उनकी सिंचाई क्यों करनी चाहिए, इसके लिए हमें जो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है या जो सही स्टेटमेंट है हमें बतानी है। तो बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें दी हुई हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, दैट सीड्स रिक्वायर मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सही हैं पर वो कंप्लीट नहीं है। तो जो स्टेटमेंट सी है वो बिल्कुल कंप्लीट है, सीड्स रिक्वायर्ड मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन, बिल्कुल सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए मॉइस्चर की जरूरत होती है, उनको पानी चाहिए तभी वो जो है अंकुरित हो पाएंगे। प्लांट्स कैन अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स इन डिसॉल्व फॉर्म, इरिगेशन इसलिए की जाती है क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट्स जो हैं उनके जो रूट्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को अब्सॉर्ब करती हैं पर वो सिर्फ डिसॉल्व फॉर्म में ही उनको अब्सॉर्ब कर सकती हैं। जब पानी होगा उनका मॉइस्चर होगा जड़ों में तो जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं तो उनको रूट्स अब्सॉर्ब कर पाएंगी। क्योंकि हम बात करें जो ग्जाइलम और फ्लोएम होता है जो कि एक तरह से पाइप की तरह सिस्टम बना होता है प्लांट्स में, क्या करते हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को, जैसे ग्जाइलम होता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को वो रूट्स पत्तों तक पहुंचाता है या ट्री के हर पार्ट तक पहुंचाता है, तो इसीलिए वो डिसॉल्व फॉर्म में ही उसको अब्सॉर्ब कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स, बिल्कुल सही है, एंड द इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर को भी इंप्रूव करती है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट इज द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड, रेनी सीजन में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, जैद क्रॉप्स एंड मानसून क्रॉप्स, तो सही आंसर ऑप्शन बी दैट इज खरीफ क्रॉप्स। नेक्स्ट इज, और अगर हम यहाँ पे जैद क्रॉप्स की बात करें, जैद क्रॉप्स कौन सी होती हैं जो समर में उगाई जाती हैं, कुछ सब्जियां और फ्रूट्स ऐसे होते हैं और कुछ दालें पल्सेस होती हैं या फिर वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और ये समर्स का जो मंथ होते हैं मार्च से लेके जून तक, इन मंथ में जो है ये इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन, रबी क्रॉप्स कौन से सीजन में उगाई जाती है, ऑप्शन है विंटर, समर, रेनी एंड स्प्रिंग, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए विंटर। नेक्स्ट इज राइजोबियम विच फिक्सेस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन, राइजोबियम अभी हमने पीछे डिस्कस किया, ये एक बैक्टीरिया है जो कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज करता है सो दैट प्लांट जो है उसको यूज कर सके, तो ये कहाँ रहता है, कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन है रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लीव्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, स्टेम ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड नन ऑफ द अबव, तो सही आंसर है ऑप्शन ए दैट इज रूट्स, जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं फलीदार पौधे उनके रूट्स में ये बैक्टीरिया रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, हमें पता है फूड जो है बहुत जरूरी है ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए भी, क्योंकि ह्यूमंस और एनिमल्स जो है वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए, खाना बहुत जरूरी है, एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो इतनी सारी लार्ज पॉपुलेशन को खाना प्रोवाइड करना उसके लिए कौन सा स्टेप जो है बहुत जरूरी है, ऑप्शन है रेगुलर प्रोडक्शन, बिल्कुल रेगुलर प्रोडक्शन तो जरूरी है क्योंकि क्रॉप जो है उनको प्रोड्यूस करेंगे तभी तो इतनी सारी लार्ज पॉपुलेशन की जो नेसेसिटी है उसको कंप्लीट कर पाएंगे, बी है प्रॉपर मैनेजमेंट, सी है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डी है ऑल ऑफ द अबव, तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि प्रोडक्शन करनी पड़ेगी उसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अगर हमने फसल उगा ली है वही एनफ नहीं है, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है ताकि वो जो हमारी कंट्री है उसके हर इंसान तक या एक तरह से बोल सकते हैं हर तबके तक जो है पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, बिल्कुल सही है ये, जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं उनको खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। दूसरी है द क्रॉप्स विच आर सोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड जैद क्रॉप्स, ये गलत है क्योंकि जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं उनको रबी क्रॉप्स कहते हैं और जैद क्रॉप्स कौन सी हैं जो समर्स में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट इज पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, बिल्कुल सही है, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन सी है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन, तो ये सारी वो क्रॉप्स हैं जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है ग्रो होने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज पीस, ग्राम, वीट, लिनसीड एंड मस्टर्ड सीड आर द एग्जांपल ऑफ रबी क्रॉप्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज द सॉइल फर्टिलिटी कैन बी रिप्लेनिश्ड, सॉइल फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पहली ऑप्शन है बाय रिपीटेड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स, By practicing crop rotation and all of the above, तो सही आंसर है ऑप्शन सी दैट इज बाई प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, क्योंकि अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना है तो हमें क्रॉप रोटेशन करना पड़ेगा, कि अगर हम एक क्रॉप लगाते हैं, मान लीजिए वीट लगाया है, तो नेक्स्ट जो क्रॉप हो वो अलग होनी चाहिए, अगर दोबारा से हम वीट लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि वीट को एक अगर स्पेसिफिक न्यूट्रेंट की जरूरत है, बार बार उसी क्रॉप को लगाने से वो न्यूट्रेंट जो है सॉइल में वो खत्म हो जाएगा,
तो इसीलिए क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, उसकी जो फर्टिलिटी है या न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बनी रहती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट एंड पोटाश, एनपीके मीन्स नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव. तो ऑप्शन डी सही है, ये सारे ही क्या है, फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल है. जस्ट सॉइल में किसी एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है तो उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल में मिक्स किया जाता है. नेक्स्ट इज सॉरी 22 क्वेश्चंस थे, तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे. बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस भी हम लेके आएंगे, तो बाकी की वीडियोस की नोटिफिकेशन ही आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी स्टे सेफ.